बिल्कुल। और अगली खबर की ओर चलते हैं। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा शुरू होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक संरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ लग्जरी और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। पूरी तरह से वातानुकूलित 80 सीटों वाले क्रूज में घाटों की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए कांच की बड़ी खिड़कियां होंगी। पर्यटकों के आराम के लिए क्रूज रसोई और पेंट्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। क्रूज में पर्यावरण पर शून्य प्रभाव के लिए जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली है। पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाई गई वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी। पूरी यात्रा में लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों से प्रेरित कई गतिविधियां और सेल्फी पॉइंट होंगे। यात्रा के बाद सरयू आरती होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा।